Hello students, welcome back. And our today's topic is limitations of civil disobedience movement. It is the last topic of the civil disobedience movement. Actually, this topic is taking much time, okay, but it is very necessary that we should go thoroughly through a topic so that we need not to every time go through the ratification. एकदम हर समय ये नहीं कि बुक उठाई चार पॉइंट. We should have an image of what we are going through, है ना? Whatever the topic we are taking, we should have an criteria. एक image will be formed in our mind, and by which we can easily learn the answers of history. Very broad subject. होते हैं हिस्ट्री ज्योग्राफी ये सब बड़े बड़े आंसर होते हैं. तो आज हमारा जो सबसे पहला है लिमिटेशंस ऑफ सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट, इट इज कंसिस्ट ऑफ टू मेनली सेक्शंस. वन इज डिप्रेस्ड सेक्शन, एंड द अदर वन इज these are the two sections which we will go through in this limitations of civil disobedience movement, because the participation of these two sections was very minimal or kam. As I had told you that Justice Party Madras, Yadagar aapko ho, they had been participated in the civil disobedience movement, they denied, okay, because they were wanting elections. उनको इलेक्शन थी, उनको नहीं पार्टिसिपेट करना. नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट, गांधी जी किसी भी नॉन कोऑपरेशन किसी भी चीज़ में पार्टिसिपेट नहीं करना. फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल गो थ्रू दिस डिप्रेस्ड सेक्शन. इसको समझना है थोड़ा सा. एक्चुअली व्हेन द कांग्रेस वाज टेकिंग दैट एजेंडा ऑफ नॉन कोऑपरेशन सॉरी सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट, what was happening is that in the earlier lecture we have gone through that poor peasant, rich peasants, workers and industrialists and businessmen, conflicts are there. And you had seen that the Congress, agar aap dekhoge isko divide kar lete hain Congress ko, okay, we will see rich, poor peasants, है ना? Rich peasants, poor peasants. If we will see the pendulum of the Congress, then the pendulum of the Congress is much more towards the rich peasants in comparison to the poor peasants. Now the next, if we will go through the industrialist, and mill workers, again we will see the pendulum of the Congress is towards the industrialists in comparison to the mill workers. It means the Congress do not want to satisfy the rich section of the society, because why? I have told you the thing is funds, because main fund for the movement is coming from them. If they are already poor, from where they will give the fund? They just only can increase the mass in the population, in the movement. So, यहाँ से हम एक चीज जो समझ गए. Similarly, एक और चीज, एक और point add करते हैं. सनातनीज, lower, ये डिप्रेस्ड क्लास सेक्शन है, वही लोअर क्लास सनातन. एक और चीज, कांग्रेस, व्हाट कांग्रेस हैज डन दैट दे वर वेरी मच फियर्ड अबाउट द लॉबी ऑफ द सनातन, दैट इफ दे इंडल्ज इन द मूवमेंट द लोअर कास्ट, अगर वो लोअर कास्ट को इंडल्ज करते हैं
तो उनको ये डर था कहीं सनातन धर्म वाले उनको बायकॉट न कर। मैनी ऑफ द मेंबर्स ऑफ द कांग्रेस एंड देयर वाज वन इंस्टीट्यूट जिसे जैसे कांग्रेस एक पार्टी थी, उसी तरीके से एक और ऑर्गेनाइजेशन था जिसका नाम था हिंदू महासभा। तो वो सब क्या हो सकते थे एकदम से अचानक से इनके अगेंस्ट में हो सकते। तो वो एकदम नहीं चाहते थे कि वो एक बहुत बड़े सोसाइटी की कम्युनिटी से जो रिच भी है, कंट्रोल है सोसाइटी में जिसका, वो उनसे अलग हो। और वो सिर्फ किस वजह से कि इनको लेकर। और कांग्रेस को ऐसा लगता था लोअर कास्ट इतना क्या कर लिया भाई, कांग्रेस में मेंबर भी वही थे अपर कास्ट वाले, मोस्ट ऑफ द मेंबर्स अपर कास्ट के, तो उनको ये लगता था कि इनका क्या साथ। तो इस एक डर भी था, तो ये लोअर कास्ट को इतना ज़्यादा प्रमोट नहीं करते थे, अपने जो एजेंडे होते थे उनमें इनको शामिल नहीं करते थे, कई सारी चीज़ें। एक्चुअल में ऐसा नहीं है कि इसको लेकर के कोई वर्क नहीं हुआ। तो ये चीज़ अब आती है कि डिप्रेस सेक्शंस को कैसे शामिल किया जाता, लोग कैसे मनाए, सनातनी को कैसे मनाए। तो यहाँ पर अगेन फिर हम लोग एक वर्ड पढ़ते हैं, पर्सन आते हैं, दैट इज गांधी जी आते हैं। गांधी जी कहते हैं कि ठीक है, बाय डिवाइडिंग आवर सिविलियंस और द मासेस वी कैन नॉट स्टैंड अ यूनिफाइड स्ट्रगल अगेंस्ट द ब्रिटिशर्स। हम एक सक्सेसफुल मूवमेंट को लीड नहीं कर सकते हैं जब तक कि सारे हमारे देश के लोग उसमें शामिल ना हो। इट इज नॉट द टाइम टू गो ऑन द बेसिस ऑफ द कास्ट कम्युनिटी रिलीजन। हमें यहाँ पर सबको बराबर लेकर के आना है। इससे पहले भी शायद कांग्रेस के बहुत सारे लोग गुस्से में थे क्योंकि नॉन कॉपरेशन मूवमेंट में गांधी जी ने मुस्लिम्स को इंक्लूड किया था, वहां पर भी एक गुस्सा था। यहाँ पर अब लोअर कास्ट के साथ आ रहे, तो गांधी जी ने क्या किया, एक स्टेप आप देख रहे हैं। एट द सेम टाइम ही इज हैविंग टू फ्रंट्स, वन इज अगेंस्ट द वन हु इज आउटसाइडर दैट इज ब्रिटिश एंड द अदर वन इज ऑफ सनातनी जो उनकी पार्टी में ही था। ये ज्यादा डेंजरस है इन कंपैरिजन, मैं ये नहीं कह रहा सनातनी डेंजरस है, मतलब ये ग्रुप आपस में जो डिवीजन वो ज्यादा डेंजरस है इन कंपैरिजन टू द ब्रिटिश। ये तो पता है आउटसाइडर, बट ये इनसाइडर काम नहीं करने दे रहा है सही से। तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने इनको समझाने की कोशिश की, नहीं दे आर ऑल्सो ह्यूमन लाइक अस, तो दे शुड ऑल्सो हैव द राइट्स टू बी ट्रीटेड इक्वली एंड फेयरली इन द सोसाइटी, उनको बराबरी का अधिकार। लेकिन भाई कहाँ मानने आ गया, हजारों सालों से उन्होंने ये एक सिविलाइजेशन बना रखा है अपने क्लास सिस्टम, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र, उसको कैसे वो करते, शूद्र कैसे उनके साथ में खड़ा हो गया है ना, वो भी इधर के भारत माता की जय, वो भी इधर के भारत माता की। देखो भारत माता तो किसी को डिवाइड नहीं करती, लेकिन यहाँ पर डिवीजन हम लोगों ने कर लिया कि एक अगर जो हमारे क्लास सिस्टम का अपर पर्सन है वो अगर भारत माता की जय बोलेगा तो शायद भारत माता की जय हो जाएगी, और अगर एक शूद्र बोलेगा तो नहीं होगी, जो भी। तो इस चीज को संभालने के लिए यहीं पर इन्होंने क्या किया, तो अपलिफ्ट। अब यहाँ पर गांधी जी क्या हो गए, टोटली उन्होंने कहा कि ये चीज गलत है एंड दे एडवोकेटेड एडवोकेटेड फॉर द दलित्स। और यहीं पर इन्होंने इनको क्या बोला, हरि जन, यहां पर इन्होंने एक नाम दिया, जैसे आप लोगों ने बहुत सुना होगा ना, जिसका कोई नहीं होता उसका ईश्वर होता है, ठीक है। तो उन्होंने कहा कि ये ईश्वर के बच्चे हैं, हरि जन, जन मतलब चाइल्ड, हरि मीन्स ईश्वर, ये ईश्वर के बच्चे हैं। इनको क्या बोला जाने लगा, आज भी इनको पॉपुलरली अगर आप देखते हैं तो नॉर्मली अगर एक हम जिसे पॉलिटी के टर्म में बोलते हैं तो हम शेड्यूल कास्ट बोलते हैं, लेकिन जब हम एक नॉर्मल टर्म में बात करते हैं, यूजुअल टर्म में बात करते हैं, तो इनको हरिजन ही बोला जाता है। तो ये हरिजन वर्ड इन्होंने दिया सारे डिप्रेस क्लास को, एक पूरे उस
पूरे सेक्शन को, और उनके साथ इन्होंने कई जगह पर मार्च किए, ठीक है, मार्च फॉर द इक्वालिटी ऑफ दलित्स, ठीक है, वॉटर फेच किया फ्रॉम वेल्स एंड रिवर्स, ठीक है, और ब्रश्ड रोड्स एंड क्लीन टॉयलेट्स, ये सब गांधी जी ने किया। शुरुआत में तो ऐसा नहीं है कि देखिए हिंदुस्तान में, सिर्फ हिंदुस्तान में, ये कहना गलत होगा कि हिंदुस्तान, आई थिंक सो, इन दिस अर्थ वेयर एवर देयर इज लाइफ, ये मेरा मन, एवरी पर्सन दे कीप रिलीजन एट द टॉप प्रायोरिटी एंड देन दे डू एनी अदर थिंग। आप किसी को ले लीजिए, क्रिश्चियनिटी को आप बहुत अच्छा मानते होंगे, है ना, कि बहुत डेवलप है कंट्रीज और ये है, लेकिन शायद आपको पता नहीं होगा कि क्रिश्चियंस के इतना ज्यादा, मतलब जिसे कहते हैं कि रिजिड अपने रिलीजन को लेके कोई नहीं होता है, इस्लाम हिंदूज कोई भी, दे आर वेरी रिजिड टूवर्ड्स देयर रिलीजन। तो गांधी जी को भी स्टार्टिंग में हिंदू रिलीजन में जो मतलब जो जिसे कहते हैं जो ओनर्स अपने आप को समझते थे कि सनातन धर्म के हम रक्षक हैं सारी चीजें, तो उनका कई जगह उनको उनको धमकियां मिली, टेरर अटैक्स हुए, सारी चीजें, पर गांधी जी didn't, he just neglected all the things, he was not terrorized by those threats and he helped the Dalits to come up in the face। इसी टाइम पर आप सभी ने ये भी पढ़ा होगा कि हमारा 1932 में गांधी जी had participated in the second round table conference, okay, and during that time that conference was failed। मैंने आपको ये भी बताया था कि उसी टाइम पर वहाँ पर अम्बेडकर जी भी थे और अम्बेडकर जी वॉज आस्किंग फॉर द सेपरेट इलेक्टोरेट फॉर द दलित्स एंड दिस हैड हर्टेड द गांधी जी द मोस्ट, क्योंकि वहाँ पर मुस्लिम लीग भी था, दे वर वॉन्टिंग सेपरेट इलेक्टोरेट, दलित्स वॉन्टिंग सेपरेट इलेक्टोरेट, देन द अदर किंग्स वर आस्किंग फॉर सेपरेट इलेक्टोरेट, व्हाट द हेल, गांधी वॉज थिंकिंग व्हाट द हेल आई एम डूइंग हियर फॉर इंडिया, इफ ईच एंड एवरीबडी इज वॉन्टिंग देयर पर्पस सेल्फ मोटिव्स देन व्हाट आई एम डूइंग हियर। तो ये एक चीज थी, गांधी जी वहां से बहुत निराश हुए, वापस चले आए एंड एज ही रिटर्न 1932 में वर्ल्ड के बाद एंड ही वाज आल्सो कैप्चर्ड इन येलवाड़ा जी, ठीक है। अब देखिए सिचुएशन क्या है, गांधी जी कहाँ है, अब यहां पर एक चीज आ रही है, गांधी जी और ये जी हटा दे, ठीक है, हो सकता है कोई कहे एक तरफ गांधी जी हो रहा है एक तरफ अम्बेडकर हो रहा है, तो ये हो गए गांधी, ये हो गए अम्बेडकर। गांधी जी इसके लिए बात कर रहे थे अपने पूरे एक नेशन की तरफ थ्योरी काम कर रहे थे, अम्बेडकर वॉज आस्किंग अबाउट द सेपरेट इलेक्टोरेट। यहीं पर एक पर्सन थे रामसे डोनर, इन्होंने सेपरेट इलेक्टोरेट और डिप्रेस्ड क्लास अंबेडकर की बात को मान, ठीक हम आपको दे देते। गांधी जी इस चीज से बहुत ज्यादा क्या हुआ है, इस चीज से एंगर इंग्री, और ये कहां चले गए गांधी जी, फास्ट अंटू अमरणी, कहां पर येलवाड़ा जेल, उस वक्त कहां थे येलवाड़ा जेल में, ठीक, येलवाड़ा जेल में
he was resembled. वहीं पर इनको जैसे ये बात पता चली सबके इलेक्टोरेट अंबेडकर की और रामसे मैकडोनल्ड के साथ, तो ये गुस्सा हो गया, गुस्से में इन्होंने पास अंटू डेथ का मतलब अपना एक सीधा अमर अनशन, ये जब तक ये नहीं करते हैं मैं ये अनशन को ख़त्म नहीं करूँगा, अंबेडकर जब तक अपनी इस मांग को वापस नहीं देते। बहुत सारे लोगों ने समझाया अंबेडकर को सारी चीज़ें पब्लिक, भाई जैसे पब्लिक को पता चला गांधी जी अमर अनशन कर आ गए हैं, उनकी तबीयत खराब हो गई, सारी चीज़ें पब्लिक एकदम, आप ये सोचिए ही वॉज द हीरो ऑफ दैट मास, है ना, और हीरो ऑफ द मास को अगर कुछ होगा तो क्या होगा। मूवीज वूवीज देखिए ना, जैसे बाहुबली में देखिए जब वो बाहर आता है राजमहल से बाहर निकल के उसको निकाल देते तो किस तरह से लोग उसका स्वागत करते हैं। आप ये सोचिए अगर उसको उनके बीच में मारने की कोशिश की गई होती तो क्या कोई उसे मार सकता था, नहीं मार सकता। सिमिलरली गांधी जी इतने सारे लोगों के फेवरेट थे, सब उनके दिलों में रहते थे सबके, और उस टाइम पर गांधी जी अमर अनशन बैठ गए, खबर फैल गई, अब सब एकदम किसकी वजह से, वजह सामने आई तो कौन आया, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर, लोगों ने उनका घर के लिए पथराव हुआ। ऐसे टाइम में सरदार वल्लभ भाई पटेल गए अम्बेडकर जी को समझाने कि देखो ऐसा है, इस चीज़ को समझ लो सिचुएशन को, कि हमें इंडिया की बात करनी है, उसके बाद ये जो इंटरनल डिस्प्यूट्स हैं इनको हम बाद में ठीक कर लेंगे, अभी हम बात किसकी कर रहे हैं, इंडिया की बात कर रहे हैं, इस चीज़ को अपने तुम ड्रॉप कर दो इस आइडिया को, लेटर ऑन दे ऑल विल गेट इक्वल अपॉर्चुनिटी इन आवर कंट्री, मिलेगा इनको सब कुछ, परेशान मत हो। तो अम्बेडकर जी ने समझा, सारी चीज़ें करी, मतलब लेकिन 100% मन से नहीं थे वो तब भी, क्योंकि उनको ये पता था कि हो सकता है कि अगर ये अभी नहीं हुआ तो शायद कभी उनको बराबर सम्मान नहीं मिलेगा डिप्रेस क्लासेस को, वो उनके मन में जो चीज़ थी वो सही थी, कहीं गलत नहीं थी, वो अपनी जगह सही थे, ये अपनी जगह सही थे। फिर यहाँ पर जो एक पैक्ट होता है अम्बेडकर जी और गांधी जी के बीच में एक समझौता होता है, ठीक है, उस समझौते में क्या होता है, इन द फ्यूचर द इक्वल स्टेटस विल बी गिवन टू द डिप्रेस क्लासेस। उनके बीच में एक पैक्ट होता है, पैक्ट साइन, और क्योंकि पूना में हुआ था तो इसको क्या बोला जाता है, पूना, ये कब हुआ था, 24 सितंबर 1930 साइन हुआ, डिस्प्यूट ओवर हुआ, साथ ही गांधी जी ने कहा कांग्रेस एग्री ऑन गिविंग, नियर की जगह पर लिखे अप्रोक्स 148 सीट्स टू द डिप्रेस्ड which is much more than what Ramsey was having deal with the Ambedkar. ठीक, इस पर अम्बेडकर भी ठीक, उन्होंने कहा ठीक, इतना हमें मिल रहा है वहाँ पर, और यहाँ पर आपके ये चीज़ें सॉल्ट आउट हो जाती हैं, और डिप्रेस्ड एक आपका आएगा, अम्बेडकर जी ने एक एसोसिएशन ही बनाया था, उसका नाम वनवर्ड के लिए बस आप लोग याद कर लीजिए, ठीक है, अम्बेडकर जी ने एसोसिएशन बनाया था डिप्रेस्ड क्लास एसोसिएशन 19 नंबर के प्रॉस्पेक्ट से आप गार्ड कर लीजिए, ठीक। ये तो हो गए एक सेक्शन हमारा, कैसे सारी चीजें हैं, अब हम आते हैं अपने नेक्स्ट सेक्शन पे जो कि है मुस्लिम पीपल। एक क्वेश्चन आता है, मुस्लिम एक्ट एज अ लूपहोल ड्यूरिंग द सिविल डिसओबीडियंस, मतलब एक जिसे नहीं झोल कहते हैं, बीकन, रोल ऑफ मुस्लिम अब है क्या, मुस्लिम से आपने देखा होगा 1920 जो नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट था अंडर द खिलाफत इशू, गांधी जी हैड अगेन यूनिफाइड द हिंदू एंड मुस्लिम टुगेदर एंड दे वर टुगेदर वर्क्ड इन द नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट, एंड नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट हैज अ वेरी गुड इफेक्ट ऑन द, इवन दो वी सी दैट गांधी जी हैड कॉल्ड ऑफ
that movement, but still it has affected the Britishers on economic front huge, बहुत ज़्यादा effect किया था. तो अगर हम effects की बात करें तो non-cooperation movement के effects बहुत ही अच्छे थे and they are long-lasting for the future perspective. वहाँ पर मुस्लिम्स थे, लेकिन जैसे non-cooperation movement called off हुआ, उसके बाद धीरे धीरे कहीं ना कहीं मुस्लिम लीग और कांग्रेस के रिलेशंस में फिर से क्या आने लगे, द ब्रेक्स सडनली, जो क्रैक्स है ना वो अपियर होने लगे. उनकी वजह क्या थी? उनकी वजह थी कि जो कांग्रेस था शोन देयर क्लोजनेस विद मुस्लिम लीग को ऐसा लगता था कि अब जो भी मीटिंग्स होती हैं, सारी चीजें होती हैं, ऑन दोस मीटिंग्स जो कांग्रेस का जो व्यू है, जो मेंटल है, स्टेटस है, दैट इज अफेक्टेड बाय द हिंदू ऑर्गेनाइजेशंस एंड द मुस्लिम्स आर नॉट गिवन दैट एप्रोप्रिएट आंसर और ट्रीटमेंट ड्यूरिंग दोस मीटिंग्स. And they were also in a threat that if the Congress will be overwhelmed by the Hindu organization, then they may be in danger, their community may be in danger. So, धीरे धीरे ये जो cracks थे, they turn into the breaks, and those breaks, मतलब जो दरारें थी वो बहुत बड़ी बड़ी valleys में, deep valleys में हो गई, and they communal rights होने लगे. ये सब 1930 के पहले के हैं. Communal rights तब भी हो रहे हैं. हिंदू मुस्लिम में जगह जगह पर छोटी छोटी बातों में लड़ाइयाँ होने लगी. मोहम्मद इकबाल, जिन्होंने एक टाइम पर कभी ये गाना गाया था, सारे जहाँ से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, दैट मोहम्मद इकबाल बिकेम सडनली एन एनिमी और यू कैन से अ स्टॉन्च अपोजर ऑफ कांग्रेस और इंडिया. उन्होंने कहा नहीं, पाकिस्तान चाहिए. सोचिए 1920 से 22 से और 30 तक आते आते इन चीजों कहाँ से कहाँ चीजें होगी. यूनिटी वो शैटर्ड, और शैटर्ड होने की वजह भी है कहीं ना कहीं कांग्रेस ने भी, जो मुस्लिम्स हैं या मुस्लिम लीग है जो इनका मेन पार्टी थी, उसको वो इंपॉर्टेंस देना बंद कर दिया. आपको पहले ही पता होगा, मैंने बार बार बता रहा हूँ कि इन द स्टार्टिंग ऑफ द नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट मेनी ऑफ द मेंबर्स ऑफ द कांग्रेस वॉज नॉट इन द फेवर to indulge with the Muslim League and go for the movement. आपको बार बार बता रहा हूँ. तो कहीं ना कहीं वो चीज़ें थी और वो चीज़ें बाद में disputes आने लगे. 1927 में एक effort किया गया, okay, कि लोगों को बुलाते हैं. In 1927, effort to fill the gap between Muslim League and Britain and Congress किया गया. और यहाँ पर मोहम्मद अली जिन्ना और कई अदर मुस्लिम लीग लीडर्स ने इस चीज पर आए कि ओके, वी विल नॉट बी वेरी मच रिजिड ऑन आवर टास्क. ठीक है, हम समझने को तैयार. There are certain conditions of us. सिर्फ हमारी दो conditions हैं, उसको आपको मानना. एक जो central legislature, जो हमारे elections होंगे, उसमें एक हमें definite seats मिले. ठीक है, ये मतलब point important है. 1927 में उनके सामने मतलब ये बोले जो central legislature होगा उसमें definite seats. ठीक है, दूसरा उन्होंने कहा, इसको मैं रख कर रहा हूं. ओके, दूसरा उन्होंने कहा जो ये पंजाब और ये बंगाल एरिया मुस्लिम डोमिनेटेड एरिया, ओके, कौन सा एरिया, पंजाब और बंगाल के मुस्लिम डोमिनेटेड एरिया में, यहाँ तो
motion basis seats allotted to the Muslims. पॉपुलेशन का जो भी प्रपोर्शन है उसके बेस पर मुस्लिम्स को सीट वहाँ पर मिली। अब 1928 में एक डिसाइड होता है किसी की, ये दो चीज़ें थी इनकी, ये डिमांड थी और उनका कहने का मतलब था कि हम पाकिस्तान जैसी या कोई भी सेपरेट नेशन उस पाकिस्तान जैसा इतना ज़्यादा नहीं था, उनका सपोर्ट इलेक्टोरेट की और इन सब चीज़ों की जो डिमांड है हम वो सब छोड़ देंगे, हमारी ये दो बातें मान लेंगे। लेकिन अब क्या होता है ट्विस्ट, एक अच्छी मूवी जो होती है ना थ्रिलर, उसमें ट्विस्ट ही उसकी जान होती है, ट्विस्ट नहीं वो थ्रिलर फ्लॉप हो जाता है। तो यहां पर अभी ट्विस्ट आता है, ट्विस्ट क्या है? ट्विस्ट ये 1928 का जो सेशन है एंट्री ऑफ एमआर जैक ऑफ हिंदू महासभा, ठीक, ई स्ट्रॉन्गली डिनाइड ऑफ गिविंग, या ऑफ गिविंग की बात कर रहे हैं, एनी स्पेस इन इलेक्शंस, ठीक, और सीधा होना चाहिए, ये मुस्लिम मुस्लिम लीग का ही, हमें कुछ नहीं चाहिए, वी डू नॉट वांट मुस्लिम्स, उनका ही सीधा सामान लगता है दैट वी विल व्हेन इंडिया विल गेट फ्रीडम वी डू नॉट वांट टू हैव आउटसाइडर्स, ये अभी भी इनको क्या मानते थे, आउटसाइडर मानते थे मुस्लिम्स को। तो यहाँ पर कहीं ना कहीं जो एमआर जेकर के स्टेटमेंट्स हुए इस सेशन में, तो कांग्रेस और जिन्ना, जिन्ना जो एक डिस्प्यूट सॉल्विंग एजेंडे के साथ आए थे भाई, एक सीधी सी होती है ना कि आप किसी को पार्टी में बुलाएं उसके बाद उसकी बेइज्जती करें फिर वो कभी जीवन में चीज़ें नहीं खत्म हो सकती, उसी तरीके से था कि किसी तरीके से जिन्ना आए। लेकिन यहाँ पर क्या हुआ, जो हिंदू महासभा के लीडर थे एमआर जयकर, उनके जो भी स्टेटमेंट्स रहे और कांग्रेस उस पर, देखिए कांग्रेस ने ये तो नहीं कहा कि हम आपकी बात मानते हैं मुस्लिम ऐसा होना चाहिए मुस्लिम लीग के साथ, लेकिन वहां पर उन्होंने कोई भी अपना स्टेटमेंट नहीं किया। कई बार आप जब चुप रहते हैं तो भी आपकी हाँ होती है, तो वो कहीं ना कहीं जो कांग्रेस एकदम साइलेंट थी यहाँ पर ऑन द स्टेटमेंट ऑफ द एमआर जयकर, तो उसको मुस्लिम लीग ने क्या समझा कि ये तो जस्ट क्या है हमारा, मतलब एक तरीके से इंसल्ट है। और दूसरी चीज जो उनके उसमें आ गई कि उनका जो कल्चर और कम्युनिटी, कल्चर और कम्युनिटी विल बी इन डेंजर इंडिपेंडेंस। उनको ये लगा अगर आजाद हो गए तो ये समझ लो कि हमारी कम्युनिटी या हमारा जो कल्चर है उसको खतरा है, क्योंकि या तो हमको मतलब वो कन्वर्जन कराए जाएंगे या हमको यहाँ से भगा दिया। इस वजह से क्या हुआ, मुस्लिम्स और भी बहुत ज़्यादा यहाँ से अलग हो गए, और उसके बाद कहीं कोई भी चीज़ नहीं बची, देयर वॉज नो चांस लेफ्ट दैट हिंदू एंड मुस्लिम यूनिटी कैन अगेन बी डन। ओके, सो दिस इज विद दिस टॉपिक, आवर लास्ट टॉपिक वी विल गो थ्रू, जिस तरह से हमने जर्मेनिया और मैरी इनको पढ़ा कि जर्मनी और इटली का मदर फिगर आए, ठीक है, तो उसी तरीके से हम लोग लास्ट टॉपिक जो पढ़ेंगे, हाउ द मदर इंडिया केम एंड व्हाट आर द डिफरेंट सिंबल्स व्हिच वर यूज्ड ड्यूरिंग द आवर फ्रीडम स्ट्रगल। टिल देन गुड बाय, हैव अ नाइस डे, एंड इफ यू हैव एनी प्रॉब्लम और एनी सजेशन यू कैन प्लीज कमेंट इन द
comment section. And please, if you like my explanation, then please subscribe my channel and like it. Thank you.